हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा नाम मोहम्मद शाह फैसल है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जरा सी पिछली क्लास के बारे में हम लोग देख लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने रियल नंबर्स के लेक्चर वन में नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा न्यूमरल सिस्टम क्या है, जिसको हिंदी में संख्यांक पद्धति कहते हैं, इसके बारे में जाना। इसके अलावा अल्फारिज्मी कौन थे, इनके बारे में जाना कि इनका मैथमेटिक्स में क्या रोल रहा है। और इनकी किताब हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, जिसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है, पहली वीडियो में मैंने बता दिया है इसका पूरा नाम। तो इस किताब का मैथमेटिक्स में कितना बड़ा रोल रहा है, किस तरह से इसने मैथ्स की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। अब रियल नंबर्स की आज दूसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्णांक, कंपेयर, तुलना, क्रम, ऑर्डर, क्रम, सक्सेसर, परवर्ती, प्रेडिसेसर, पूर्ववर्ती। पर ये जो चार वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, इन चार वर्ड्स का मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और इनमें से ये कंपेयर और ऑर्डर, इन दोनों से हर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, जो भी एग्जाम्स हो। और इन्हें आईआईटी जेई या नीट यूजी, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें भी बेसिक में इन्हें पढ़ाया जाता है। अब इनके बारे में जैसे बता दूं, मान लीजिए 1/5 और 6/8 आपसे पूछा गया कि इन दोनों में ये बताएं कि ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। या फिर अब ऑर्डर की अगर बात करें, तो ऑर्डर की बात में ये आ जाता है जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसे अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आज इन्हीं के बारे में चर्चा होगी, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है नेचुरल नंबर्स के बारे में। ये कौन सी संख्याएं होती है, ये कौन से नंबर्स होते हैं। वैसे नंबर्स जो एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। यह बात क्लियर हो रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट, ठीक। अब इसके बाद होल नंबर्स, वैसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उस संख्या को, उस नंबर को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट अनंत, ये अनंत का साइन है, उस वर्ड का ये साइन है, क्लियर। तो अब हमारे पास तीसरा बंदा कौन सा है, उसका नाम है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो बेसिकली ये एक कलेक्शन है। तो किसका कलेक्शन है, ये कलेक्शन है नंबर्स का। तो कैसे नंबर्स का कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इसी को हम लोगों ने क्या कहा, पूर्णांक कहा, इंटीजर्स कहा। अब यहां आप गौर करें तो हम लोगों को कुछ बातें दिखेंगी। तो वो बातें कौन सी हैं, वो बातें ये हैं कि इस जीरो के दो साइड्स हैं, एक साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं और एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में बायां या वाम पक्ष, राइट हैंड साइड को हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं। अब इसे आप अगर ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड वाले जितने नंबर्स हैं, वो सभी के सभी नंबर्स जीरो से बड़े होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने नंबर्स हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स जीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कि जो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं उनका हम लोगों ने नाम रखा, उनका नाम क्या रखा, पॉजिटिव इंटीजर्स, और
जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं, यानी जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं, उनका नाम हम लोगों ने क्या रखा, उनका नाम रखा हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो के बारे में सवाल उठता है कि जीरो का क्या नाम है, यानी जीरो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, नीदर पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव इंटीजर। यही बातें हमने क्या की हैं, यहां नोट डाउन कर दी है, और इन बातों को आप लोगों को भी क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इन बातों को हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इससे उनके लिए दो फायदे हैं, उनकी इंग्लिश भी क्या होगी, अच्छी होती जाएगी हिंदी के साथ साथ। समझ में ये बात आ रही है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते, खैर कोई बात नहीं है, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ड्यूअल अपॉर्चुनिटी है, ड्यूअल बेनिफिट है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, आगे उन्हें बहुत आसानी होगी और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर हर नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट है, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जीरो सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है। यही बात यहां लिखी है कि जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। फार्दर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द राइट साइड, लार्जर इज इट्स वैल्यू। जैसे जैसे हम लोग जीरो से दूर होते जाते हैं, और दूर किस तरफ होते जाते हैं, राइट हैंड साइड होते जाते हैं, वैसे वैसे नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, लार्जर होते जाते हैं। इसी तरह से फार्दर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। यानी जैसे जैसे हम लोग जीरो से लेफ्ट हैंड साइड दूर होते जाते हैं, वैसे ही हमारे नंबर्स क्या होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। और ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी है कि जीरो इज नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। इन बातों का हमारी मैथमेटिक्स पे बहुत असर है, और इनकी जरूरत हमारी मैथमेटिक्स में, मेरी टीचिंग में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसानी होती है। तो एक बात मैं आप लोगों से बताता चलूं कि वीडियो के आखिर में आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जिसे आप लोगों को बिना किसी के हेल्प के सॉल्व करना है, और उसमें जो डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, या टेलीग्राम चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, या आप मेरे फेसबुक पेज पर आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे हम लोग देखते हैं जो चौथा नाम है वो कौन सा था, कंपेयर, तुलना। अब कंपेयर का क्या मतलब है, कंपेयर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में यह बताना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या कौन एक दूसरे के बराबर है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ये तीन बातें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं तीनों बातों के साइन है, वो कौन सा साइन है, इज स्मॉलर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये साइन है इज इक्वल टू का, जब कोई दो लोग एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे, तब हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग सिक्स और सेवन इनमें कंपेयर करेंगे कि कौन एक दूसरे से बड़ा है। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कि सिक्स और सेवन में राइट साइड में कौन नंबर है। तो सिक्स और सेवन में राइट साइड में कौन है, सेवन है। किसके राइट साइड में, सिक्स के राइट साइड में। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि वैसे नंबर्स जो जितना ज्यादा राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वो लेफ्ट साइड वाले से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो सेवन क्या है यहां पे, सिक्स से बड़ा है, तो सिक्स से बड़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स। अब यहां पे हमें सिंबल का इस्तेमाल करना है, ग्रेटर सिंबल का। तो ग्रेटर सिंबल का इस्तेमाल हम लोग कहां से करेंगे, यहां से देखेंगे, इन्हीं तीनों में से किसी एक को देखेंगे। तो ये जो दूसरा बंदा है यही हमारा क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, ऐसे।
ये बात समझ में आ गई। अब स्मॉलर देन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्मॉलर देन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऐसे। तो इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कब लगे, कौन सा लगेगा स्मॉलर देन में साइन और कौन सा लगेगा ये ग्रेटर देन में साइन। इसे दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल कौन सा है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जांपल है। और वो एग्जांपल ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक अमीर है और दूसरा क्या है, गरीब है। जनरली ऐसा देखने को मिला है हम लोगों को कि मान लीजिए कि कोई गरीब किसी अमीर के पास क्या होता है, पहुंच जाता है, तो वो अमीर इंसान क्या करता है, छिच छिच जा जाओ जा, भागो भागो भागो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। उसको क्या करता है, कोना दिखा देता है, कहते हैं तुम्हें बैठना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें मांगना है, तो वहां जाओ, उस कोने में बैठो जाओ, वो तुम्हारी जगह है। तो वो क्या करता है, वो कोना दिखाता है, किसे दिखाता है, गरीब को दिखाता है, कौन दिखाता है, अमीर दिखाता है। अब यहाँ पे 6 और 7 इन दोनों में अमीर कौन, 7 अमीर। तो 7 क्या कह रहा है 6 से कि तू गरीब है बेटा, इसीलिए तेरी जगह कौन सी है, कोने की है, तो ले कोना देख ले, ये कोना है, इस कोने को गरीब की तरफ क्या किया, मोड़ दिया, इस कोने को गरीब की तरफ क्या किया, मोड़ दिया। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर हम लोग -1 और -2 में देखें कि कौन ग्रेटर है, तो हमने देखा कि -1 के लेफ्ट में -2 है, तो यहां से निकल कर आया हम लोगों के सामने -1 is greater than -2। साइन कौन सा लगेगा, इसका लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि -1 अमीर है -2 से, इसने कोना दिखा दिया -2 को कि भैया तू गरीब है और तेरी जगह वही कोने की है। ये बात समझ में आ गई। तो इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब ये इज इक्वल टू का साइन, तो जाहिर है कि 6 और 6 ये दोनों एक जैसे और एक जात के दिखने वाले लोग हैं, अमीर अमीर गरीब गरीब, ऐसे लोग दिखने वाले हैं, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे कि हाँ ये दोनों भैया बराबर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बेंच पर क्या करेंगे, खाना खाएंगे। ये बात समझ में आ रही ना। अब हमारे पास कौन सा बंदा है, उसका नाम है ऑर्डर। ये कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम। क्या मतलब है असेंड, क्या मतलब है डिसेंड, असेंड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना छोटे से बड़े की ओर, डिसेंड का मतलब होता है पीछे की तरफ बढ़ना बड़े से छोटे की ओर। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये हमें दिख रहे हैं कि ये छोटे से बड़े की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर इसको पलट दें 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों हो जाएगा इसका नाम डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये डिसेंड कर रहे हैं बड़े से छोटे की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सक्सेसर, सक्सेसर क्या होते हैं, बहुत आसान है, सक्सेसर के बारे में या प्रीडिसेसर के बारे में जानना बहुत ही आसान है। दुनिया का कोई नंबर आप ले लें, कोई सा भी नंबर, ठीक, उस नंबर में आप क्या करें, 1 ऐड कर दें, और 1 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। जैसे मान लिया 12 है, 12 में हम लोगों ने 1 ऐड किया तो आया क्या, 13। अब ये 13 क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में परवर्ती कहते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, परवर्ती 13। इसी तरह से अगर मान ले 16 में हम लोगों ने 1 ऐड किया तो क्या आया, 17। 17 इज द सक्सेसर ऑफ 16, 17 इज द सक्सेसर ऑफ 16, एंड 13 इज द सक्सेसर ऑफ 12। क्यों, क्योंकि 12 में ही 1 को ऐड किया, 16 में ही 1 को ऐड किया, तो हमने 15 में 1 माइनस कर दिया, तो क्या आया रिजल्ट हमारा, 14। इसी तरह से हमने अगर मान लीजिए 27 में 1 माइनस कर दिया तो क्या आया हमारे पास में रिजल्ट, 26। तो ये 26 प्रीडिसेसर है किसके, 27 के। इसी तरह से 14 प्रीडिसेसर है किसके, 15 के।
तो आगे अब हमारे पास तीन शेप्स हैं। लाल वाले से जो शेप दिख रहा है इसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, ब्लू वाले से जो शेप दिख रहा है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, और जो ब्लैक वाला शेप है इसे हम लोग सर्कल कहते हैं। सर्कल किसके अंदर है? सर्कल है स्क्वायर के अंदर, और सर्कल और स्क्वायर दोनों किसके अंदर है? ट्रेपेजियम के अंदर। तो जाहिर है कि दोनों के दोनों जिसके अंदर है वो सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमने सर्कल का नाम दिया नेचुरल का। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहाँ आ गए? सर्कल के अंदर आ गए। और सारे के सारे होल नंबर्स कहाँ आ गए? वो आ गए स्क्वायर के अंदर। और सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स वो सारे के सारे कहाँ गए? ट्रेपेजियम के अंदर, जिसका हम लोगों ने नाम रखा इंटीजर्स। ठीक। अब यहां से सवाल पैदा होता है कि क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, और दूसरा सवाल होता है कि क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो हम लोग यहां से देखेंगे, इस शेप से आप गौर कीजिए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते हैं। तो जवाब इसका होगा नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप बताएं ना, क्या हम इस ट्रेपेजियम को स्क्वायर के अंदर रखना चाहें तो क्या स्क्वायर के अंदर ये फिट बैठेगा? तो जवाब निकल कर आएगा नहीं। इसीलिए इंटीजर्स होल नंबर्स कभी नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। अब यहाँ पे होल नंबर्स की बात होती है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसका जवाब आएगा निकलकर नहीं। सेम जवाब, क्यों नहीं? वो इस वजह से कि मान ले कि अगर हम लोग स्क्वायर को उठाकर और सर्कल के अंदर फिट करना चाहें तो बाहर से कुछ न कुछ क्या होगा, नंबर उसके खाली हो जाएंगे, कुछ ना कुछ शेप क्या होंगे, बच जाएंगे। जो शेप बचेंगे उसके अंदर जो नंबर्स होगा वो भी बच जाएंगे, तो जाहिर है कि वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, बचेंगे। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? हाँ, अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा हाँ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, कंपेयर और ऑर्डर के बारे में पढ़ा। अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तब भी जाओ। क्यों? क्योंकि दुनिया में इल्म से बड़ी दौलत दूसरी कोई नहीं है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।